नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं और इसमें हमने वागड़ अंचल की 4 और मेवाड़ की 5 सीटों पर अपनी एनालिसिस कर लिया है। और आज हम जिस सीट की बात करने वाले हैं उदयपुर शहर विधानसभा सीट की। उदयपुर शहर विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण और राजस्थान के चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक है। इसका कारण ये भी है कि पूर्व में यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया हो, गिरजा व्यास जैसे कांग्रेस के बड़े दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भानु कुमार शास्त्री, शिवकिशोर सनाड्य और गुलाबचंद कटारिया जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दक्षिण हिस्से में राजस्थान के मेवाड़ को रिप्रेजेंट करने वाले गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़े नेता रहे, गृहमंत्री रहे, वो यहाँ से 2003 से लगातार विधायक थे। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें असम का महामहिम राज्यपाल बनाकर यहाँ से असम भेजा है, तो ये सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कौन लीड करेगा और कांग्रेस को यहाँ से कौन चुनौती देगा, ये बड़ा देखने वाला मुकाबला होने वाला है। और इसलिए भी ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है और सबकी नज़र इस पर रहेगी। तो क्या उदयपुर शहर विधानसभा सीट का मैथमेटिक्स है, क्या जातियों का असर है, किस प्रकार से वोटिंग होती है, क्या यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं और कौन कौन यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं, तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उदयपुर शहर विधानसभा सीट का एनालिसिस वीडियो। आगे बढ़े उससे पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो राजनीतिक सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि राजनीतिक चुनावी जो माहौल है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों के मन के भाव स्पष्ट हो कि क्या यहां का चुनावी गणित है और किस प्रकार से वोटिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें उदयपुर शहर सीट की, तो 1951 से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। 1951 में देवी सिंह यहाँ से राम राज्य परिषद के सदस्य बने और उसके बाद 1957 में मोहनलाल सुखाड़िया, 1957 तीन बार लगातार मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ से विधायक रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और सबसे ज़्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उसके बाद 1972 में पहली बार जनसंघ की तरफ से भानु कुमार शास्त्री ने यहाँ पर खाता खोला, कांग्रेस पार्टी को हराया और जनसंघ की एंट्री कराई। उसके बाद 1977 में गुलाबचंद कटारिया यहाँ से विधायक बने, 1980 के चुनाव में गुलाबचंद कटारिया फिर से यहाँ से विधायक बने, 1985 के चुनाव में गिरजा व्यास ने गुलाबचंद कटारिया को यहाँ से हरा कर फिर से कांग्रेस पार्टी की एंट्री कराई, तो 1990 में और 1993 में शिवकिशोर सनाड्य ने भारतीय जनता पार्टी को जिता कर यहाँ पर भाजपा का खाता फिर से खोला। उसके बाद 1998 के चुनाव में त्रिलोक पुरबिया ने यहाँ से कांग्रेस पार्टी के फिर से विधायक बने, 2003 के विधानसभा चुनाव में गुलाबचंद कटारिया ने फिर से त्रिलोक पुरबिया को हरा कर ये सीट अपने नाम की, तो 2003, 8, 13 और 2018 के विधानसभा चुनाव में लगातार 4 बार कांग्रेस पार्टी को हरा कर गुलाबचंद कटारिया यहाँ से जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद 2003 के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई प्रयोग किए, दिनेश श्रीमाली को चुनाव लड़ाया, गिरजा व्यास जैसे बड़े चेहरे को 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ाया लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए। उदयपुर सीट की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 50% वोटों की लड़ाई एक पार्टी लड़ती है। जब कांग्रेस पार्टी के मोहनलाल सुखाड़िया और गिरजा व्यास यहाँ से चुनाव जीते तो उनका भी वोट शेयर 50% के ऊपर था, और जब भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी और गुलाबचंद कटारिया की भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीते तो उनका भी वोट शेयर 50% के आसपास हमेशा रहा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो 56% के आसपास था। 2008 में बीजेपी को यहाँ से 58% वोट मिले, 2013 में यहाँ 56% वोट मिले, जबकि 2018 में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर यहाँ से गिरा और गुलाबचंद कटारिया को केवल 47% वोट मिले और केवल 9000 की लीड के साथ वो यहाँ से विधायक बने थे। अब गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि एक विधानसभा की सीट है और लगभग 10 विधायक चेहरे कम से कम यहाँ पर विधायक बनना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है कि अब गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को टक्कर देगी, लेकिन उनके सामने भी एक चेहरे को लेकर समस्या है। पर जातियों का असर यहाँ पर देखें तो आपको बता दें कि एससी समुदाय का जो वोट है यहाँ पर लगभग 20% इस विधानसभा सीट में अपनी हिस्सेदारी रखता है, एसटी समुदाय का वोट भी 10% हिस्सेदारी इस विधानसभा सीट में रखता है, ओबीसी यहाँ पर 30-35% अपना हिस्सा रख रहा है, तो जनरल वोटर भी यहाँ पर अपना 30-35% की भागीदारी वोट शेयर में रखता है, तो वहीं मुस्लिम भी यहाँ पर 20% अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एज मिलता है क्योंकि गुलाबचंद कटारिया जो थे वो स्वर्ण कास्ट से थे, जैन समुदाय से थे, जैन समुदाय या बड़ी संख्या में है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके अलावा बिजनेस क्लास
केवल जनरल वोटर ही नहीं, बिजनेस क्लास जो वोटर है, जो व्यापारी वर्ग है, वो यहाँ से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ शुरू से रहा है और गुलाबचंद कटारिया को इससे इसका फ़ायदा भी मिलता रहा है। चुनाव से पहले कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन जब चुनाव होते थे तो गुलाबचंद कटारिया का वो लोगों से कनेक्ट करने की जो उनकी शैली थी, जिस प्रकार से देसी अंदाज में वो भाषण देते थे और लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, अंत में जाते जाते माहौल फिर से भाजपा के पक्ष में बनता था और व्यापारी वर्ग है वो गुलाबचंद कटारिया को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जा पाया। कांग्रेस उसमें सेंधमारी नहीं कर पाई, इसलिए लगातार भाजपा यहाँ पर जीतती रही और भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ मजबूत स्थिति में। अगर 1951 से अब तक देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 बार सफलताएं मिली, जिसमें 3 शुरुआती मोहनलाल सुखाड़िया जीते शुरुआत में, उसके बाद गिरजा व्यास जीती, उसके बाद केवल 1 बार त्रिलोक पूर्व्या ही यहाँ से चुनाव जीत सके हैं, बाकी 9 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने विधायक जिताने में कामयाब रही है, यानी कि ये भाजपा के दबदबे वाली सीट रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं उस पर नज़र डालें, तो सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। भाजपा की तरफ से बड़ा नाम हो सकते हैं रविंद्र श्रीमाली। रविंद्र श्रीमाली वर्तमान में उदयपुर शहर की जिलाध्यक्ष भी हैं, पूर्व में UIT के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उससे पूर्व में सभापति भी नगर निगम उदयपुर के रह चुके हैं। ऐसे में रविंद्र श्रीमाली बिजनेस क्लास से आते हैं, जनरल चेहरा है और सिंपल छवि उनकी है, इसलिए भाजपा उन पर दाव लगा सकती है। दूसरा बड़ा नाम है प्रमोद सामर। प्रमोद सामर लोकसभा के प्रभारी रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण यहाँ पर नज़र आती है, ऐसे में भाजपा उन पर भी अपना दाव लगा सकती है। तीसरा बड़ा नाम है दिनेश भट्ट। दिनेश भट्ट जो हैं वो पुराने नेता हैं, RSS और जनसंघ से जुड़े हुए हैं, गुलाबचंद कटारिया के करीबी रहे हैं, वर्तमान में बांसवाड़ा के प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि भाजपा उन पर दाव लगा सकती है, वो भी विधायक के चेहरे में शामिल एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अतर अगर महिलाओं पर बात करें तो वर्तमान में राजस्थान प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा एक बड़ा नाम है जिस पर भाजपा दाव लगा सकती है। सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्हें यह जिम्मेदारी मिली और अभी भी वो इस पद पर बनी हुई हैं, ऐसे में भाजपा अगर महिलाओं पर दाव लगाना चाहती है, किसी उम्मीदवार को बनाना चाहेगी, तो अलका मुंदड़ा एक बड़ा नाम है। इसके अलावा रजनी डांगी और किरण जैन भी दो भाजपा के वरिष्ठ नेत्री हैं जिन पर भाजपा अपना दाव खेल सकती है। इसके अतर अगर भाजपा युवाओं पर फोकस करती है और युवा को लड़ाना चाहती है तो उसमें एक बड़ा नाम है उप महापौर और वर्तमान में कॉमर्स के चेयरमैन चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष और उप महापौर पारस सिंघवी। पारस सिंघवी बिजनेस क्लास में अच्छी खासी पकड़ है उनकी और वो यहाँ से वर्तमान उप महापौर भी हैं, जनरल समुदाय से आते हैं, जैन परिवार से हैं, इसलिए उनका जैन समाज में भी अच्छा खासा प्रभाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन पर भी दाव लगा सकती है। दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री युवाओं में अच्छी पकड़ है उनकी, डूंगरपुर के सहप्रभारी रह चुके हैं, वर्तमान में आपदा एवं राहत विभाग के प्रदेश संयोजक के पद पर तैनात हैं, लगातार जन कल्याणकारी कोई योजनाएँ हो या फिर कोई आंदोलन हो, किस प्रकार का कोई मुद्दा हो, उसमें जिनेंद्र शास्त्री लगातार अपनी भूमिका बनाते नजर आते हैं, ऐसे में जिनेंद्र शास्त्री भी यहाँ से एक बड़े चेहरे हो सकते हैं और भाजपा उन पर भी दाव लगा सकती है। तीसरा नाम निकल करके आता है अतुल चंडालिया का। अतुल चंडालिया जो है वो गुलाबचंद कटारिया के समधी हैं और वो भी युवा मोर्चा में एक्टिव रहे हैं, भाजपा के कई सारे आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। वर्तमान में जब हाल ही में अमित शाह उदयपुर दौरे में थे तो उनके साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सहज तस्वीरें वायरल हुई, तो ये भी चर्चाएं गर्म हुई कि क्या अतुल चंडालिया भी कहीं कोई न कोई सियासी तिकड़म बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी यहाँ से बड़ा उम्मीदवार चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में अब उदयपुर विधानसभा सीट पर गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद एक और नया सिपू का सामने आया है। भाजपा के नेता और पार्षद मनोज चौधरी ने एक दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक OBC चेहरे पर दाव लगाना चाहिए, क्योंकि हर बार भाजपा यहाँ पर जनरल आदमी को चुनाव लड़ाती है और जनरल कैंडिडेट को सारी जातियों के लोग वोट देते हैं, ऐसे में एक बार कम से कम OBC चेहरे को यहाँ मौका मिलना चाहिए। OBC का भी यहाँ से 30-35% वोट है और वो भी यहाँ से विधानसभा की सीट जिताने की ताकत रखता है। अगर मनोहर चौधरी के दावों पर भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान विचार करे तो मनोहर चौधरी भी विधायक की दौड़ में अपने आप को शामिल बताते हैं, वो भी यहाँ से बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इसके इतर 2-3 नाम ऐसे भी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना दाव यहां से लगा सकती है, जिसमें पहला नाम है यहां से मेवाड़ राजघराने के राजकुमार लक्षराज सिंह मेवाड़ का, वो भी उदयपुर शहर विधानसभा की सीट से विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, भाजपा उन पर दाव लगा सकती है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के लोग उनसे संपर्क करते रहे हैं, लेकिन लक्षराज सिंह ने अब तक अपने
सियासी पत्ते खोले नहीं हैं कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ भी उन्होंने कहा नहीं है। केवल एक इंटरव्यू में ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो भी भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं? एक बड़ा नाम निकल करके आता है डूंगरपुर के पूर्व सभापति और भारत सरकार में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता का। के गुप्ता भी जब पूर्व में डूंगरपुर के सभापति थे, अब वहाँ से एसटी रिजर्व सीट है, तो वो अपनी सियासी ताकत आजमाने के लिए उदयपुर शहर उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीट हो सकती है। अगर आलाकमान उन पर दाव लगाता है तो वो भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार अपने ऐसे फैसले करके लोगों को चौंकाते रहे हैं। हाल ही में जब गुलाबचंद कटारिया को अचानक असम का राज्यपाल बनाया, उसके बाद सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद मेवाड़ के चित्तौड़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। ये भी एक बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि गुलाबचंद कटारिया के पद को भरपाई करने के लिए एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा सीपी जोशी को भी उदयपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो पूर्व में प्रत्याशी रही गिरजा व्यास के भाई गोपाल कृष्ण शर्मा विधायक पद की दौड़ में शामिल नेता हैं। हाल ही में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया है। ऐसे में उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उन पर दाव गिरजा व्यास के चेहरे के सहारे खेल सकती है। दूसरा उम्मीदवार दिनेश श्रीमाली, जो कि 2013 में गुलाबचंद कटारिया का विधानसभा के चुनाव में मुकाबला कर चुके हैं, वो फिर से अपनी दौड़ जयपुर तक लगा रहे हैं और वो भी अपने आप को विधायक की दौड़ में शामिल बताते हैं। पार्टी उन पर भी दाव लगा सकती है। तीसरा बड़ा नाम है पंकज शर्मा का। पंकज शर्मा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लगातार आलाकमान से उनके अच्छे संपर्क हैं, उन पर दाव लगा सकती है। इसके अलावा एक जगदीश राज श्रीमाली, जो कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की यूनिट में एक बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक की दौड़ में शामिल चेहरा है। केतर हाल ही में संगठन में हुए चुनाव में फेरबदल में बड़ी जिम्मेदारी मिली। जिलाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए फतेह सिंह राठौड़ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक का चेहरा हो सकते हैं। इसके अतर्गत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी उदयपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे लाल सिंह झाला, डूंगरपुर के वर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया, अलबनगर से मौजूदा विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत के नामों पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है और इनमें से भी किसी को यहाँ से लड़ाकर सबको चौंका सकती है। इसके अलावा तीसरे मोर्चे की बात करें तो यहाँ पर किसी और पार्टी का दबदबा लगभग ना के बराबर है। पूर्व में गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ बत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रवीण वत्रतालिया हो या फिर दलपत सुराणा हो, कई सारे चुनाव कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आता है कि वो विधानसभा की सीट उदयपुर शहर की निकाल सकें। यहाँ पर लगभग मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा और कांग्रेस पार्टी गुलाबचंद कटारिया की अनुपस्थिति का फायदा जरूर उठाना चाहेगी, तो वहीं भाजपा भी अपना मजबूत चेहरा यहां से निकाल कर सबको टक्कर देना। ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।